तो देखती आंखों और सुनते कानों को शाहरुख का सलाम पहुंचा। और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए स्किन केयर, मेंस के लिए स्किन केयर की एक पोस्ट बनाने का तरीका। अच्छा, बहुत दिनों से आप लोगों को शिकायत है कि यार मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि मैं अपनी वॉइस के साथ वीडियो अक्सर नहीं बना पाता, तो उसके लिए माजरत, क्योंकि ऑफिस का काम इतना होता है कि अक्सर मैं बस ऐसी ही वीडियो बना लेता हूँ। बट मेरी अब पूरी कोशिश है कि मैं वॉइस के साथ वीडियो बनाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइल पाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, और न्यू पे क्लिक करने के बाद 1200x1200 का हाइट और विड्थ लेंगे और रेजोल्यूशन 72 रखेंगे। ठीक है, ये हम इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे, फाइल पाएंगे ओपन। ओपन पे आने के बाद हम लेंगे ये और ये इमेज, दोनों इमेज ले लीजिए, ओपन कर लीजिए। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी करके इसको करेंगे यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ रखिएगा ऐसा सीधा बिल्कुल। ठीक है जनाब, और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कॉपी कीजिएगा, इसको यहाँ रखिएगा, कंट्रोल वी पेस्ट इस तरह। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप विंडोज पाएंगे और यहाँ से लेंगे आप लेयर, और लेयर पैनल साइड में उठा के रखिएगा। इस लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा जो ऊपर वाली, ये वाली लेयर, यहाँ मास्क देंगे। ठीक है, यहाँ से आप लेंगे ब्रश टूल, ओपेसिटी 100, ब्लैक कलर, यहाँ से आप बढ़ाएंगे साइज और इसको हल्का सा रब करेंगे। ठीक है, और रब कर दें, बल्कि यहाँ तक रब करें कि सिर्फ आपका ये दिख रहा हो। ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख दें ऐसे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा इसको रखें यहाँ पे। अच्छा, अब इसका कलर थोड़ा डार्क करें क्योंकि इसका कलर भी डार्क है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम लेंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट और इसको क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ इस पर कलर देगा, बाकियों पर कलर नहीं देगा। उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी हल्की करें, उसको डार्क करें कंट्रास्ट को, और ब्राइटनेस और कम करें, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दें। ठीक है, और ब्राइटनेस इतनी सही है। अच्छा, बाकी आप चीज़ें मिटा दें, ये देख रहे हैं अभी डार्क कलर आ रहा है, इसको मिटा दें यहाँ से भी, यहाँ से। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि इसको दोबारा कॉपी करेंगे और दोबारा पेस्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको ऊपर ले जाएंगे ऐसे, कंट्रोल टी के साथ इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको यहाँ रखेंगे हम ऐसे, यहाँ पे, यहाँ से मास्क खोल लेंगे और इसको रब कर देते हैं। ठीक है, इसको बादलों के साथ मिला देंगे यहाँ तक ऐसे, और इसको मिटाएं आप। ठीक है जी, इसके बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ह्यू एंड सेचुरेशन लेंगे, और ये पैनल आ गया इसका, इसका सेचुरेशन थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, डल और डल, ठीक है, बंद कर दीजिए। उसको क्लिप नहीं लगाया था हमने, इस पर डबल क्लिक करें और इस पर क्लिक करें तो सिर्फ इसी पे कलर आएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऊपर से भी मिटाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके, और इसको भी मास्क करके हल्का सा, थोड़ा सा इसको भी यहाँ से रब करेंगे। क्यों करेंगे बताता हूँ, आपने लिया यहाँ से कलर पिकर, यहाँ से डार्क शेड ले लिया ये वाला। ठीक है, इसको सेलेक्ट करें पहले जनाब, और फिर कलर आएगा। फिर एक लेयर ऊपर खोलिएगा, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लीजिएगा और बेसिक में आके यहाँ से ट्रांसपेरेंट टू कलर लीजिएगा। शिफ्ट दबा के हल्का सा नीचे ड्रैग करेंगे तो ये शेड आएगा जनाब, जो आप देना चाह रहे थे, मतलब जो मैं देना चाह रहा था। अब आप क्या करेंगे, इसको बंद कर दीजिए, इसको भी बंद कर दीजिए, फाइल पर आए, ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ से हम उठाएंगे ये, ओपन करें, इसको उठा के ले जाएं ऐसे और घसीट के यहाँ पे लाके छोड़ दें। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से रबड़ लीजिए इरेजर टूल, और हल्का सा इरेजर कौन सा लेंगे आप, मैजिक इरेजर। ये क्या करता है, एक वक्त में सारे कलर यहाँ से उड़ा देता है। मैजिक इरेजर टूल लिया, कैप्स लॉक दबाया, हल्का सा यहाँ क्लिक करा, ऐसा उड़ जाएगा। ठीक है, कैप्स लॉक से प्लस आ जाएगा, इस तरह उड़ाया आपने। ठीक है, और इसको मास्क दीजिएगा और हल्का सा साइडों से प्लस दबाएं ताकि दोबारा आपके पास गोल सर्कल आ जाए, हल्का सा इसको रिमूव करें। यहाँ से ब्लैक कलर जरूर लीजिएगा जनाब,
हल्का सा आपने इसको रब करना है ऐसे, ठीक है ऐसे, और फिर व्हाइट कलर ऊपर लाके इसको साइज छोटा कीजिएगा कर्ली ब्रैकेट, लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से, और इसको थोड़ा डार्क कीजिएगा ताकि ये नमूदार हो। इसको यहाँ रखा आपने, ठीक है, कंट्रोल टी से बड़ा कर लें थोड़ा सा, और इसको देते हैं हम कर्व मास्क, क्लिप मास्क करें, थोड़ा पीछे करें इसको ताकि डार्क हो, थोड़ा सा यहाँ से डार्क करें इसको, ऊपर करें यहाँ से, इसको थोड़ा सा नीचे करें ऐसे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा इसको घुमाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से लेंगे हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, और उसको भी क्लिप करके ब्राइटनेस कम करके, ब्राइटनेस नहीं लेके जाए सॉरी, लेवल लीजिएगा यहाँ से, लेवल लेंगे और इसको थोड़ा सा क्लिप मास्क जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। यहाँ से इसको राइट साइड से करें, और इसको हल्का सा लेफ्ट साइड से करेंगे आप, और लेफ्ट साइड से कर दें, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मिटाएं यहाँ से, ठीक है, ब्लैक कलर लेके हल्का सा इसको, ठीक है, शेड आप देंगे इस तरह, ठीक है जी, ये हो गया। इसको हटा दीजिए, फाइल पाए ओपन, यहाँ से लेंगे आप ये PNG, इसको उठा के इधर रखें, फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर इसको आप कर दें, आई थिंक 4 काफ़ी है। उसके बाद जनाब इसको बंद कीजिए, इसको भी बंद कीजिए, इसको भी बंद कीजिए, फाइल पाएं ओपन, ओपन करने के बाद आप ले लीजिएगा ये यहाँ से रॉक्स, रॉक्स को उठा के यहाँ रखा, इसको भी इधर फेंका आपने, यहाँ पे आपने करा फिल्टर ब्लर गॉशियन ब्लर, इसको भी 4 कर दिया आपने। इसके बाद आप यहाँ पाए, यहाँ से लिया आपने लेवल, लेवल अपने यहाँ से क्लिप मास्क जरूर कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा इसको इधर खिसकाएं, थोड़ा सा इसको इधर खिसकाएं, और यहाँ से इसको आपने दे दिया कर्व, इसको भी आपने थोड़ा सा यार क्लिप मास्क में भूल जाता हूँ, थोड़ा सा डार्क करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसको और डार्क करें थोड़ा, और इसको लेके आए थोड़ा सा, ओके ये हो गया, थोड़ा सा इसमें आ कर दिया आपने। अच्छा ये जो है ना, इस पे काम करते हैं हम, एक लेयर इसी के बीच में खोलते हैं, यहाँ से एक डार्क शेड उठा लें हम, ठीक है, डार्क शेड उठा लिया हमने थोड़ा डार्क, ठीक है, ब्रश टूल हमने लिया हुआ है, और ओपेसिटी इसके हमने कम करी, और हल्का सा इस पर फेर दिया ताकि डार्क हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा हमने फेर दिया एक, और तो हम देते हैं थोड़ा डार्क कलर का, मल्टीप्लाई सही लग रहा है मुझे, बट मैं इसको मल्टीप्लाई देता हूँ थोड़ा सा, फिर ख़त्म करता हूँ ताकि विजिबल भी हो, ओके जी ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे जनाब, इसको करें बंद, यहाँ से लाएंगे हम अपने प्रोडक्ट को, ठीक है, थोड़ा सा उसको पीछे करें, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करें, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करें और इसको थोड़ा सा ऊपर करें यहाँ पे, ठीक है। अब आएगी हमारी प्रोडक्ट्स फाइल ओपन, हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट्स, मैं ये वाली प्रोडक्ट्स ले लेता हूँ, उसको ओपन करता हूँ और उसको उठा के रखता हूँ यहाँ पे, देखते हैं कैसे लगती है फिलहाल, यहाँ रखता हूँ मैं इसको, यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, ये भी रख के देख लेते हैं और ये भी रख के देख लेते हैं कि कौन सी अच्छी लग रही है, ये भी रख के देख लेते हैं। कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म करके छोटा करें, पहले ई खटाकते हैं, ये भी सही लग रही है और ये भी सही लग रही है, मेरे ख्याल से हम जाते हैं इस वाली पे, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा शेडो भी देते हैं, ठीक है, एक लेयर खोलेंगे और इसको नीचे रखेंगे, यहाँ से लेंगे ब्रश, ठीक है, सॉफ्ट ब्रश 30, इसको हम हल्का सा बल्कि काम करते हैं, हार्ड ब्रश करते हैं इसको, मतलब ओपेसिटी ज़्यादा करते हैं, क्लिक करें एक, ठीक है, कंट्रोल टी करें, इसको यहाँ से दबाएं ऐसे, और इसको बड़ा करते हैं ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे रखें इसको यहाँ पे, इसकी डुप्लीकेट बनाएं, इसका शेड देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल टी के साथ को थोड़ा छोटा करें, थोड़ा सा डुप्लीकेट
डुप्लीकेट करें, कंट्रोल जे से उठा के यहाँ रखें, एंटर कीजिएगा। ओके जी, ये तो हो गया आपके शेड, ये हो गया आपका बेहतरीन। ठीक है जी, कुछ रह तो नहीं गया, देखें। ओके, एक लोगो उठा लेता हूँ यहाँ से फिलहाल। अब हम इस पे लिखेंगे टैक्स, तो टैक्स हम इस पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे हमने टी टूल लिया टैक्स टूल यानी के, और हम क्लिक करेंगे यहाँ पर टैक्स आ जाएगा, वाइट कलर दे देंगे हम इसको। और ये टैक्स मेरे ख्याल से होगा पॉपिन, पॉपिन आजकल फॉन्ट बहुत इन है, तो हमने ले लिया पॉपिन इटैलिक में, तो बड़ा कर दिया। ठीक है, इस पर हमने यहाँ पे, और इसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लें। हाँ सही है, हम इसको ऑल कैप से हटा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दें। ओके जी, तो अब हम करने वाले हैं यहाँ पे, हम दोबारा टैक्स लेंगे, कुछ और भी लिख देते हैं यहाँ पे, हमने कुछ और भी लिख दिया। ठीक है, ये भी लिख दिया हमने, और इसको यहाँ रखा, यहाँ रखा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल डी के साथ और बड़ा करेंगे, और हम करेंगे ऑयल कंट्रोल को थोड़ा सा बोल्ड, तो हम इसको कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड इस तरह, और 5 पीसिस को भी यहाँ से हम कर देते हैं एक्स्ट्रा बोल्ड इस तरीके से। ठीक है, इसको रखा हमने यहाँ पे। अब जनाब हम क्या करेंगे कि एक लेयर लेंगे, यहाँ से हम याला कलर उठाएंगे डार्क, और यहाँ से लेंगे हम ग्रेडियंट, और लेंगे हम याला ग्रेडियंट, और तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन लेंगे इस तरीके से, और इस पर फेरेंगे सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से फेर दें, और बीच में रहते हुए यहाँ से यूँ फेर दें, बल्कि यहाँ से यूँ, और यहाँ से यूँ। ठीक है, कंट्रोल डी करें, उसके बाद यहाँ से आप लीजिएगा ब्रश, इसको मास्क कीजिएगा, साइज लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से छोटा कीजिएगा, इसको हल्का सा रफ कीजिएगा, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको रखा आपने यहाँ पे। अब आप यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट लिखिए, कलर इसका वाइट कीजिएगा बिल्कुल से। ठीक है, इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे, कंट्रोल टी से इसका साइज छोटा कर देंगे, सिर्फ इतना यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। ठीक है जी, इसको उठा के यहाँ रखा आपने, और अब बारी हमारे लोगों की, तो थोड़ा सा नीचे कर दें, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लोगो उठाएंगे आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक है, जगह प्लेसमेंट हम इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, थोड़े से प्रोडक्ट को उठा के हम नीचे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे कंट्रोल टी के साथ ऐसे, थोड़ा सा नीचे ले आए, थोड़ा सा नीचे ले आए, थोड़ा सा नीचे ले आए। ठीक है, और इसको हम रखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल यू करके इसको वाइट कीजिएगा पूरा, थोड़ा सा इसको भी छोटा कर दीजिएगा, और ऐसे। ठीक है, अच्छा लोगो वैसे तो ये इस कंपनी का है, ठीक है, ये मैंने ऐसी लोगो यहाँ पे दे दिया, तो आप भी चाहे तो मैं इस कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल मैंने ये यूज़ करा। ठीक है जी, तो ये तैयार हो गया हमारा बेहतरीन सा इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, अच्छा सर, थोड़ी सी हम ट्यूनिंग करते हैं, इस रॉक को सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे हम कर्व खोलते हैं दोबारा, हल्का सा इसको नीचे करते हैं हल्का सा, और इसके बाद इसको हम करते हैं थोड़ा सा नीचे, ताकि डार्क शेड दे थोड़ा। ठीक है जी, और इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं, और इधर भी एक कर्व खोलते हैं, हल्की सी थोड़ी सी ट्यूनिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करें, और उसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क नीचे करें, बेहतरीन हो गया। ठीक है जी, इसके अलावा जाते जाते एक लास्ट से सबसे ऊपर वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे आप, बल्कि इसको सेलेक्ट करें खाली, और इसके बाद यहाँ से ले लें आप ह्यू एंड सेचुरेशन, या इसको क्लिप मास्क लगाएं, इस हैंड पे क्लिक करें फिंगर पे, और ग्रीन कलर पाके हल्का सा दबा के रखें, राइट करेंगे तो देखें शार्प होगी,
ये तो एक लिमिटेड शार्प करने के बाद इसको छोड़ दीजिएगा। आप देख सकते हैं ये आपके इंस्टाग्राम की बेहतरीन सी पोस्ट तैयार है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ। तो टेक केयर एंड बाय बाय।